ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह। आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज कह सकते हैं कि लास्ट मंथ टिप फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कह सकते हैं कि एक अंतिम इस महीने में क्या क्या उस पॉइंट्स उस बिंदु पे हमें फोकस करना चाहिए जिससे कि हम प्रारंभिक परीक्षा को इजी वे में कह सकते हैं कि कट ऑफ से विभव ला सके। इसमें कुछ हाई फाई मार्क्स लाने का कोई बेनिफिट है नहीं, बिकॉज इसका मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट नहीं किया जाता, बस हमें इसके कट ऑफ से विभव लाना है, इसे पास करना है। तो सभी को मालूम है कि 10 अक्टूबर को हमारा कह सकते हैं कि यहां मैं लिख देता हूं 10 अक्टूबर को जो है प्रारंभिक परीक्षा का जो है डेट डिक्लेयर किया गया है। और यह COVID-19 के कारण जो है कह सकते हैं कि वजह से यह डेट बढ़ गया, अदरवाइज ये जून में ही होने वाला था 27 जून को। लेकिन यहाँ जो हम लोग जिस टॉपिक पे आज हम लोग कह सकते हैं कि डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कि अवॉइड एक्सप्लोरिंग न्यू टॉपिक। तीन ये जो वर्ड्स हैं इस पे विशेष ध्यान देना है, अवॉइड एक्सप्लोरिंग न्यू टॉपिक्स बिफोर 1 मंथ। जैसे देखिए अब लगभग एक महीना ही बाकी है, 2-3 दिन ऑन एवरेज मान के चले तो आगे पीछे वो मैटर नहीं करता, बट एक महीना आप शेष बाकी है प्रारंभिक परीक्षा को। अब इसके बाद हम लोग जैसे अभी की करेंट अफेयर हम लोग 1 से 1.5 साल तक पढ़ते आ रहे थे, बट अब हमें कोई नए ऐसे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, चाहे वो करेंट अफेयर हो या कोई स्टैटिक पोर्शन हो, कोई एडवांस बुक हो, बिकॉज अब हमें करेंट अफेयर भी कह सकते हैं इस महीने से अब कह सकते हैं कि अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब जो भी है क्वेश्चंस जो है वो कह सकते हैं कि 10 या 15 तारीख के बाद से आई थिंक वो छप जाता है, प्रिंट हो जाता है, तो अब मायने नहीं रखता कि आप इसके आगे करेंट अफेयर्स को पढ़ें। तो चाहे वो करेंट अफेयर्स हो या फिर कोई भी बुक्स, जैसे अब कोई टॉपिक अगर आपने कवर नहीं किया है तो सोच रहे हैं चलो इस बुक्स में ये टॉपिक है अभी इसे कवर कर लेते हैं, तो ये सब जो कवर करने से कोई भी अब नया करंट अफेयर, कोई बुक्स या कोई भी नए टॉपिक्स, चाहे वो मैगजीन से ले रहे हो या फिर कोई न्यूज पेपर से ले रहे हो, ये सब पर से कह सकते हैं कि अवॉइड कीजिएगा। अवॉइड में इसलिए करने के लिए कह रहा हूं कि कोई भी चीज अब अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वो इस ईयर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कह सकते हैं कि सिग्निफिकेंट नहीं होगा, और कह सकते हैं उसका महत्व भी नहीं होगा, क्योंकि वो एग्जामिनेशन में पूछे भी नहीं जाएंगे। और अगर मान भी लेते हैं आपने कुछ करेंट अफेयर के टॉपिक्स अब इस एक महीने के अंतराल में अगर पढ़ भी लिया, कुछ नए बुक्स के कुछ नए टॉपिक्स को अगर आपने पढ़ भी लिया, तो उससे फायदा क्या होगा? आप क्या उसे बार बार रिविजन कर पाएंगे, या फिर उसे जल्दी जल्दी में अभी आप पढ़ तो लेंगे, क्या उसे रिटेन कर पाएंगे? तो सबसे बड़ी बात है कि अभी इस 1 मंथ, विद इन 1 मंथ, इस एक महीने के अंतराल में अब हमें नए टॉपिक्स को पढ़ने से अवॉइड करना है। कोई नए ऐसे कह सकते हैं कि मटेरियल, सोर्स मटेरियल या फिर से मैगजीन्स, मतलब दोस्तों उसमें चर्चा चलता है कि तुमने वो मैगजीन पढ़ा, तुमने उस बुक्स को पढ़ा, क्योंकि इस बुक से पिछले साल आया था ऐसे, मतलब अब इन सब कह सकते हैं कि भ्रांतियों और मिथ जो है इससे दूर हटा के अपने आप को रखना है। तो हमें करना क्या है, अब तक हमने जो भी पढ़ा है कह सकते हैं कि जो भी बुक्स या फिर करेंट अफेयर मटेरियल मटेरियल तो पिछले 1 से 1.5 सालों तक, ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो भी 1 से 1.5 सालों तक प्रीवियस अब इस मंथ से लेके कह सकते हैं कि 1.5 इयर्स तक जो भी हम लोगों ने बुक्स को और करेंट अफेयर मटेरियल या करेंट अफेयर्स को पढ़ा है, अब उसे हमें जो है उसका जो है प्रॉपर जो है रिवीजन करना है। देखिए कोई भी चीज आपके दिमाग में लगभग लगभग कह सकते हैं कि सही तरीके से रचने बसने में रिवीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं देंगे तो कोई भी चीज आपने अब तक पढ़ा हो या फिर प्रीवियस अगर आपने कह सकते हैं ग्रेजुएशन तक का अध्ययन किया है, कोई MBA कर रहे हैं, तो उस क्लास में भी आप देखेंगे अगर आप प्रॉपर रिवीजन नहीं देते हैं तो आपके वो दिमाग में उसका रिटेंशन नहीं रहता है। तो रिवीजन इज नेसेसरी,
नई चीज को अवॉइड करना है, बट जो अभी तक आपने 1.5 इयर्स तक का जो करेंट अफेयर जो स्टैटिक पोर्शंस के बुक्स को पढ़े हैं उसे अच्छी तरीके से उसका जो है कह सकते हैं कि रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो जो भी कह सकते हैं ना, एक बहुत ही अच्छी फिलॉसफी है कि इट इज बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम्स देन 10 बुक वंस। आप 10 डिफरेंट डिफरेंट किताबों को पढ़ने की अपेक्षाकृत एक ही पुस्तक को आप बार बार पढ़ें। तो कोई इस एक मंथ, एक महीने से पहले, या 10 अक्टूबर को एग्जाम है तो वन मंथ बिफोर कोई अदर बुक्स, कोई न्यू चीज को एक्सप्लोर करने से अवॉइड करना है। बट जिस चीजों को हम लोगों ने 1 से 1.5 साल तक पढ़ा है उसका हमें बार बार रिविजन करना है और उसे रिवाइज करना है। अब रिवाइज करेंगे तो जो भी बुक्स और मटेरियल और करंट अफेयर हम लोगों ने बनाया है, चाहे नोट्स बनाए हैं, एनसीईआरटी का नोट्स हो, करंट अफेयर का नोट्स हो, न्यूज़पेपर्स का कोई क्लिप हो, कोई मैगजीन हो जो कि प्रारंभिक परीक्षा से कह सकते हैं कि संबंधित हो, प्रारंभिक परीक्षा से कह सकते हैं कि महत्व रखता हो, उस चीज को हमें बार बार रिविजन करना है, उसका बार बार रिविजन करना है। क्योंकि अगर आप कोई न्यू चीज को एक्सप्लोर करेंगे तो वो आपके बेनिफिट में नहीं होगा, क्योंकि फिर वो एक अधिक बर्डन को क्रिएट करेगा। तो जो भी आपका स्टैटिक पोर्शन है, चाहे हिस्ट्री का, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, स्पेक्ट्रम वगैरह, या फिर कोई जो भी बुक्स आप पढ़ते हो आप अपने हिसाब से देख लेना, फिर इकोनॉमिक्स को लेकर उसी तरह, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर इसी तरह, तो जो साइंस एंड टेक का जो इतना भी आपने करेंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं साइंस एंड टेक में, उसका नोट्स बनाया तो उस चीज को रिविजन कर लेना आप। तो इसी प्रकार आपने जिस चीज का जितना भी मटेरियल तैयार किया है 1 से 1.5 सालों तक, इसका आप प्रॉपर रिवीजन कर लेना, ठीक है। और पर से मैं बताने का एक वन मंथ कह सकते हैं कि बिफोर प्रीलिम्स, ये जो टिप मैं दे रहा हूं वह यह है कि कोई भी चीज को, नई चीज को अब एक्सप्लोर करने से अवॉइड करना है, ज्यादा मटेरियल्स को एक्यूमुलेट या एग्रीग्रेट नहीं करना है, बस जो अभी तक 1.5 सालों तक पढ़ा है अब तक उसी को बार बार हमें रिवाइज करना। सो आज के लिए इतना ही। कोई अगर डाउट, कोई कह सकते हैं कि सजेशन, एडवाइस, कोई कमेंट, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है जी। सो थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।